हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मदर्स किचन। आज मैं शाही पनीर की रेसिपी बनाने जा रही हूँ और उसके साथ बनाऊंगी गरम गरम पूरियाँ, जिसका रेसिपी मेरा खुद का ही है और ये मेरे बच्चों को और मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आती है। आशा करती हूँ आप लोगों को भी इसका स्वाद पसंद आएगा। आप लोग ज़रूर ज़रूर इसी विधि से बना के और खाने के बाद मुझे कमेंट कीजिएगा कि कैसा बना है। आप लोगों को मेरी रेसिपीज अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। यूट्यूब चैनल पे मेरी रेसिपीज़ के नीचे लाइक बटन दबाइए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको मेरी नई रेसिपीज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप मेरी रेसिपीज़ देखते रहेंगे। मेरे चैनल को अपने मित्रों और परिवार वालों के साथ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक और सजेशन ज़रूर 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 दीजिए। झटपट झटपट शाही पनीर रेसिपी बनाने के लिए मैंने ये लिया है चॉप्ड ऑनियन, चॉप्ड जिंजर, चॉप्ड टोमेटो, थोड़े से प्याज बड़े काट के लिए हैं, थोड़ा हरी मिर्च चॉप किए हुए, और पनीर को मैंने फ्राई कर लिया है पीस पीस करके। इसके लिए हमें चाहिए हल्दी, नमक, जीरा, गरम मसाला, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च और देसी घी। तो इसके साथ चाहिए होगा फ्रेश क्रीम, दही, थोड़ा सा दूध, ये मैंने गैस ऑन कर दिया है और अब फटाफट बना लेते हैं बच्चों के लिए शाही पनीर की रेसिपी। बनाते हैं शाही पनीर। बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई को गर्म होने देना है, ठंडे कढ़ाई में कोई भी खाना नहीं पकाना है। दो चार मिनट इंतज़ार करने के बाद कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है और इसमें हम एक चम्मच देसी घी डालते हैं। आंच को एकदम मध्यम रखना है। इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, घी गर्म होने पे जीरा डाल देंगे, तभी ये ऐसे फ्राई होगा। उसके बाद हम इसमें ये साबुत थोड़े बड़े कटे प्याज डाल देंगे और हरी मिर्च डाल देंगे। तो थोड़ा सा ही पकाना है। उसके बाद हम इसमें चॉप किया हुआ ऑनियन डाल देंगे, करीब डेढ़ कटोरी चॉप ऑनियन है और ये 2 टीस्पून चॉप्ड जिंजर। आंच को थोड़ा मीडियम कर देंगे। इनको सॉटे करेंगे और सॉटे करते हुए इसमें सारे मसाले इंग्रेडिएंट्स मिलाते जाएंगे। सबसे पहले हल्दी, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर मिक्स करेंगे। वन टीस्पून सॉल्ट, सॉल्ट आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं और फिर इसको हम चलाते रहेंगे। टेबल स्पून धनिया जीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून
एक हाफ टेबल स्पून, वन फोर्थ टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर यहाँ पे बनाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। उनके बाद कढ़ाई तेज होने लगेगी, तब तक इसको फ्राई करना है। इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे। एक मिनट तक इसको भूनते रहेंगे मीडियम आंच में। एक कटोरी दही डाल के लगभग 100 ग्राम के करीब दही डाल देंगे और उसको हिलाते रहेंगे। आज को मीडियम रखेंगे। डेढ़ गिलास पानी डालना है, तभी ये आधा गिलास जब बॉयल होएगा तो थोड़ा सा पानी सूख जाएगा और एक गिलास जितना पानी डाला था हमने उतना ग्रेवी रह जाएगा और उस हिसाब से हम ग्रेवी को जितना हमें चाहिए उस हिसाब से गाढ़ा कर देंगे।
पनीर के टुकड़े इसमें डाल देंगे, तो हमें फ्राई करके बिना फ्राई किए भी दे सकते हैं, फ्राई करके भी डाल सकते हो। उसके बाद फिर इसको अच्छे से मिला के और सिम आंच पे 5 मिनट के लिए पका।